दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल VTube लाइब्रेरी में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बेल्ट कन्वेयर के ऊपर। बेल्ट कन्वेयर के ऊपर ऑलरेडी मैं 4 पार्ट बनाया हूँ। उन वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट के रूप में दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा प्लेलिस्ट के रूप में। कृपया करके उन वीडियो को भी ज़रूर देखिए, जिससे आपको अच्छे से बेल्ट कन्वेयर के बारे में समझ में आएगा। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, जो बेल्ट कन्वेयर का प्रिंसिपल ऑपरेशन के ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, मटेरियल इज लोडेड ऑन टू बेल्ट कन्वेयर फ्रॉम होपर और बिन। जो बेल्ट चल रहा है, रनिंग है, तो उसके ऊपर बेल्ट के ऊपर जो मटेरियल आएगा वो बिन या होपर से उसके ऊपर आएगा थ्रू चूट, चूट के थ्रू उसके ऊपर आएगा। बेल्ट कन्वेयर लोडिंग पॉइंट इज डिजाइन टू कंटेन एंड सेटल लोड सर्टेनली ऑन बेल्ट विद इन विथ मिनिमम वियर एंड स्पिलेज। उसका जो डिज़ाइन होता है कि उसमें मिनिमम वियर होना और स्पिलेज हमको ज़ीरो रखना है। जब तक हम ज़ीरो स्पिलेज अचीव नहीं कर करते हैं, तब तक जो हमारा क्लीन साइड, सेफ साइड, क्लीन जो हमारा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्पिलेज होगा तो हमारा अनसेफ एक्टिविटी जनरेट होगा। तो हमको क्लीन और सेफ रहना है। उसके लिए बेल्ट कन्वेयर का डिज़ाइन इस टाइप से होता है कि वो लोड को कैरी करता है। कन्वेयर फ्रेमवर्क हैज़ बोथ कैरिंग आइडलर्स ऑन मेटल साइड एंड रिटर्न आइडलर्स ऑन बॉटम और रिटर्न साइड। जो उसमें जो फ्रेम होता है उसमें कैरिंग साइड में कैरिंग आइडलर होता है, रिटर्न साइड में रिटर्न आइडलर होता है। तो दोनों साइड में आइडलर होता है उसमें बेल्ट कन्वेयर में। हेड एंड टेल पुलीज आर माउंटेड देयर रेस्पेक्टिव एंड्स टू रिवर्स बेल्ट डायरेक्शन। जो बेल्ट का डायरेक्शन को रिवर्स ना हो, उसके लिए उसकी रेस्पेक्टिव उसमें रहते हैं। हेड पुलीज मोस्ट एप्लीकेशंस आर यूज टू अप्लाई मोटिव फोर्स। जो मोटिव फोर्स यानी कि मोशन का फोर्स, यानी कि वो हेड पुली की तरफ ही घूमेगा, वो टेल पुली की तरफ नहीं घूमेगा कभी भी। ये उसका मेन पर्पस है। हेड पुली में हमारा मोटर ड्राइव रहेगा। मटेरियल एज्यूम डायनेमिक एंगल ऑफ रेपोज एज इट सेटल्स पास्ट लोडिंग पॉइंट। जो इसका जो मटेरियल जो रनिंग में रहेगा, तो उसमें क्या डायनेमिक मतलब रनिंग, एंगल ऑफ रिपोज यानी कि जो उसका इंक्लिनेशन पे जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, वो रनिंग की तरफ रहेगा, वही इसका मेन मीनिंग है। मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड द लेंथ ऑफ बेल्ट कन्वेयर एंड फाइनली डिस्चार्ज ओवर हेड पुली। जो मटेरियल जितना भी लेंथ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 मीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, उसका चूट से उस पर मेटल बेल्ट पे गिरा तो वो 100 मीटर तक ट्रैवल करेगा और वो हेड पुली के बाद में जो डिस्चार्ज चूट रहेगा उसमें जाके डिस्चार्ज करेगा बेल्ट को। तो उसका एक ये प्रिंसिपल है कि वो किधर जाएगा करके। बेल्ट कन्वेयर डिज़ाइन 3 बेसिक डिज़ाइन होती है, हॉरिजेंटल, इंक्लाइन और डिसलाइन। ये 3 टाइप की डिज़ाइन होती है। हॉरिजेंटल होता है, इंक्लाइन होता है, डिसलाइन में अपना पाइप कन्वेयर टाइप का रहेगा। कैन बी डिज़ाइंड ऑफ फॉर पार्टिकुलरली एनी डिजायर्ड पाथ ऑफ ट्रैवल इंक्लूडिंग कर्व रेडियस। जैसे फोटो में दिखाया गया कर्व में जा रहा है तब भी उसको डिज़ाइन किया जा सकता है। हॉरिजेंटल एंड इंक्लाइन मोस्ट कॉमन, हॉरिजेंटल और इंक्लाइन बेल्ट हमारा मोस्ट रहता है। इंक्लिनेशन अप टू 40-45 डिग्री तक हम उसको इंक्लिनेशन पर रख सकते हैं। उसका अलग अलग टाइप का बेल्ट है जिसमें 90 डिग्री तक भी बेल्ट कन्वेयर से ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। बेल्ट कन्वेयर डिजाइंस, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल विच सरफेस ऑफ ए नॉर्मल फ्रीली फॉर्म्ड पाइल ऑफ मटेरियल मैक्स टू हॉरिजेंटल। जो एक एंगल, ऐसा एंगल है जो फ्री होता है, फॉर्म्ड होता है, और जो अपना पाइल्स बनाता है, जो अपना बेल्ट कन्वेयर के ऊपर मटेरियल कन्वे करेगा तो उसके पाइल टाइप का बनेगा, तो उसको कन्वे करने में फ्रीली रहेगा हॉरिजेंटल में, उस टाइप से बनता है। एंगल ऑफ सरफेस और डायनेमिक एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ हॉरिजेंटल विच इज सरफेस ऑफ मटेरियल एज्यूम्ड व्हाइल मटेरियल इज एट रेस्ट और मूविंग ऑन ए मूविंग बेल्ट। जो डायनेमिक एंगल ऑफ रिपोज का, एंगल ऑफ रिपोज का इंक्लिनेशन कितना है उसका डायरेक्शन में, तो उसको एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। और वो जब रनिंग में रहेगा तो डायनेमिक एंगल ऑफ रिपोज हो जाएगा, उतना ही उसका है।
फ्लोबिलिटी एज मेजर्ड बाई एंगल ऑफ रिपोज एंड सरचार्ज द फ्लोबिलिटी डिटरमाइंस क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल लोड विच कैन बी सेफली कैरीड ऑन ए बेल्ट। किसी भी बेल्ट के ऊपर मटेरियल को सेफली कैरी करने के लिए उसको एज्यूम किया जाता है फ्लोबिलिटी। स्टैंडर्ड एज डिस्टेंस मिनिमम स्टैंडर्ड लोड ऑफ बेल्ट 0.055 इंटू बेल्ट विड्थ प्लस 0.9 इंचेस। एग्जांपल 30 इंच का बेल्ट है तो 2.88 इंच मिनिमम एज उतना होना ही है इसका, मल्टीप्लाई करके निकाल सकते तो इतना ही आएगा। एंगल ऑफ रिपोज और सरचार्ज क्या होता है कि एंगल ऑफ रिपोज जैसे 35 डिग्री का दिखाया गया है ऊपर में, जो वो एंगल रहेगा वो साइड जो एक हॉरिजॉन्टल रहेगा उसके बाद में जो एंगल वाला आइडलर रहेगा दोनों साइड में उसको एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। वो जितना मतलब 30-35 तक है तो उसमें अच्छा रहेगा आपका, 20 डिग्री में क्या फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट होने की वजह से आपका स्पिलेज का रहता है कई जगह पे कि वहाँ पे जैसे उस पर मटेरियल आएगा तो वो स्पिलेज करेगा, पर 30-35 डिग्री एंगल पे है तो वो अच्छा रहता है, उसमें आपका क्या बोलते हैं ना मटेरियल स्पिलेज नहीं होगा। जैसे ये एंड एज दिखाया गया है वो कितना है, जैसे 0.055 इंटू बेल्ट विथ इंटू 0.9 इंचेस वो दिया गया है, तो उसमें बेल्ट का विड्थ कितना है उसको करके हम कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं ये एंगल ऑफ एज कितना है, एज डिस्टेंस कितना है। फोर्स ऑन ए कन्वेयर बेल्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटेशन लोड टू लिफ्ट ए और लोअर मटेरियल बींग ट्रांसपोर्टेड। मैकेनिकल फ्रिक्शन, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ऑफ कन्वेयर्स कंपोनेंट्स ड्राइव एंड ऑल एक्सेसरीज वाइल ऑपरेटिंग एट डिजाइन कैपेसिटी। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल एज इट इज सीयर्ड एंड कन्वेयर्ड। एक्सेलरेशन, फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट मटेरियल कंटिन्यूसली एज इट इज फीड ऑन टू कन्वेयर बाय चूट और फीडर। जो एक्सेलरेशन यानी कि हमारा जो फीड मटेरियल फीड करेगा तो उसको कन्वे करने का ही मैन ये है, ये जस्ट टर्म्स दिए हैं नॉलेज के लिए। फोर्स टू ड्राइव कन्वेयर, जो कन्वेयर को ड्राइव करने के लिए जो फोर्स लगते हैं उनका है कैरिंग साइड ऑफ बेल्ट T1 और रिटर्न में T2 है, तो स्नप पुली उसमें वार्प पुली है टेल पुली है ये सब दिखाया गया है। मस्ट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम ड्राइव पुली टू बेल्ट बाय फ्रिक्शन बिटवीन देयर टू सरफेस। उसकी दोनों सरफेसों के बीच में फ्रिक्शन की वजह से ही वो अपना मूव करेगा, क्योंकि बिना सरफेस के वो बिना फ्रिक्शन के बेल्ट मूव नहीं करेगा, जब तक हेल्ड पुली पे उसको फ्रिक्शन नहीं मिलेगा बेल्ट मूव नहीं करेगा, वो फ्री हो गया तो घूमेगा नहीं। सेम फोर्स यूज टू रिस्ट्रेन रिजनरेटिव डिसलाइन कन्वेयर्स। देयर मस्ट बी ए डिफरेंस इन बेल्ट टेंशन एज इट अप्रोच एंड लीव उस ड्राइव पुली। जो बेल्ट की टेंशन है उसमें डिफरेंस होना है, जो अपना कैरिंग साइड है उसमें और उसका रिटर्न साइड है दोनों में बेल्ट में टेंशन में डिफरेंस होना है। दिस डिफरेंस इज टेंशन इज सप्लाइड बाय कन्वेयर एंड ड्राइव सिस्टम विच ट्रांसलेटेड टू मोटिव फोर्स। ट्रांसमिटिंग ड्राइव फोर्स, ड्राइव फोर्स को ट्रांसमिट कैसे करते हैं। बेल्ट हैज एंगल ऑफ वार्प अराउंड ड्रिविन पुली ऑफ 180 टू 240 डिग्री। जो एंगल ऑफ वॉर्प है वो है 180 से 240 डिग्री तक, इसमें दिखाया गया आप देखेंगे तो अपना 270 और 315 डिग्री तक आ रहा है, उसके बीच का जो दिख रहा है वो एंगल है, ये 180 से ज़्यादा डिग्री एंगल है। एंगल ऑफ वॉर्प इन्हांस्ड बाय प्रॉपरली पोजिशन स्नप पुली। स्नप पुली को हम कितना स्नप पुली के साथ हिसाब से हम एंगल ऑफ रॉप हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसका ये मीनिंग है सेकंड लाइन का। बेल्ट प्लेस फॉर कन्वेयर ड्राइव इज लोकेशन विच रिजल्ट इन लोवेस्ट मैक्सिमम बेल्ट टेंशन यूजुअली डिस्चार्ज एंड फॉर हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड यूजुअली लोडिंग एंड फॉर डिसलाइंड। बेल्ट कन्वेयर कॉन्फिग्रेशन, बेल्ट कॉन्वेंशनल बेल्ट कन्वेयर्स जो कॉन्वेंशनल है जो जनरल पर्पज में यूज है उसका रिप्रेजेंट्स मेजोरिटी ऑफ बेल्ट कन्वेयर्स यूज इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग।
रिप्रेजेंट करता है जो मेजर बेल्ट हम सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं उसको। स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन डिसलाइन बाय इंक्लिनेशन कॉनकेव कॉन्वेक्स कर्व एनी कॉन्फ़िगरेशन इज पॉसिबल। स्टीप एंगल कन्वेइंग, स्टीप एंगल कन्वेइंग में क्या है कि मोल्डेड जीट कन्वेयर्स, पॉकेट बेल्ट कन्वेयर्स, टोटली इनक्लोज कन्वेयर्स, पाइप बेल्ट, सैंडविच बेल्ट कन्वेयर्स, ये टाइप्स है। इसका क्या क्या मीनिंग है, कौन से बेल्ट का हम देखेंगे इस आगे अभी, कि जो अपना मोल्डेड क्लीट है उसमें क्या है और अपना पॉकेट बेल्ट है उसमें कैसा क्या है, उसमें कैसे मटेरियल कन्वे करेंगे उसमें हम देखेंगे। मोल्डेड क्लीट में देखेंगे अब क्लीट लगी हुई उसमें, जिसमें क्लीट का क्या पर्पज़ है कि उसमें जो ये हम देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट वाला टॉप वाला फोटो तो हम कहीं देखेंगे जो अपना क्या बोलते हैं पैकिंग प्लांट होता है, उसमें इंक्लाइन कन्वेयर होता है जहाँ पे इंक्लिनेशन ज़्यादा होता है, तो हम कहीं थोड़ा सा मतलब उसको इस टाइप का बेल्ट देते हैं जिससे कि बैग एकदम सडनली रश करके नीचे ना जाए क्लीट वाला। और दूसरा भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मोल्डेड और फास्टन क्लीट ऑन टॉप कन्वेयर्स, जो मोल्डेड भी किया जाता है उसको फास्टन भी किया जा सकता है, दोनों ही टाइप का वो क्लीट लगा सकते हैं। इकोनॉमिकल मेथड टू इंक्रीज कन्वेयर इंक्लिनेशन, जो इंक्लिनेशन है उसको इंक्रीज करने के लिए इसका ये इकोनॉमिकल मेथड है, नहीं तो बेल्ट कन्वेयर बेल्ट बकेट एलिवेटर में जाएंगे तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा। पॉकेट बेल्ट्स, जो पॉकेट बेल्ट से इसको हम 90 डिग्री तक कर सकते हैं, ये देखेंगे फोटो में तो कॉरूगेटेड साइड वॉल्स एडेड टू बेल्ट एज, बेल्ट के एज में जो कॉरूगेटेड टाइप का साइड वॉल्स दे देंगे जिससे कि वो टेंशन में आएगा तो वो फैल जाएगा और बाकी सिकुड़ जाएगा, दोनों उसमें टेंशन और एक्सपन सिकुड़ना और फैलना दोनों चीज़ उसमें होती रहेगी। फॉर्म्स कंप्लीट रेक्टेंगुलर पार्टीशंस टू कैरी मटेरियल, इसमें कंप्लीट रेक्टेंगुलर पार्टीशन होता है जिसमें मटेरियल को रखते हैं और वो कैरी होता है। 90 डिग्री कन्वेइंग पॉसिबल, इसमें 90 डिग्री तक पॉसिबल है, इसमें दिखाया गया सेकंड फोटो में आप देखेंगे तो 90 डिग्री लगभग दिख रहा है वो कन्वे करने के लिए। लेस पार्ट्स रिक्वायर्ड इन हाई एंगल्स, हाई एंगल पर भी इसमें लेस पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है। कन्वेयर कैन बी ट्विस्टेड इन वर्टिकल सेक्शन, इसको वर्टिकल सेक्शन में ट्विस्ट कर सकते हैं। टोटली इनक्लोज बेल्ट, टोटली इनक्लोज बेल्ट को पाइप बेल्ट कन्वेयर बोलते हैं। कन्वेयर कंप्लीटली इनक्लोज ऑन कैरिंग एंड रिटर्न साइड्स डस्ट एंड स्प्लेज कंट्रोल, इससे डस्ट और स्प्लेज का बहुत कंट्रोल होता है, पाइप कन्वेयर इसको बोलते हैं। अलाउज फॉर स्टीपर इंक्लाइंस अप टू 30 डिग्रीज, 30 डिग्री तक इंक्लिनेशन में स्टीपर का यूज़ किया जाता है। नेगोटिएट्स टाइट हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कर्व्स, पाइप बेल्ट का ऐसा फोटो दिखाया गया, इसमें आप देख सकते हैं कि लोडिंग मटेरियल है, मेंटेन शेप मेंटेन करने के लिए इसको रिटर्न आइडलर में भी इसको दिया जाता है, टेल पुली हैंड पुली सब दिखाया गया है इसमें, टेल पुली से मटेरियल उसमें फीड कर रहा है और हेड पुली में मटेरियल डिस्चार्ज कर रहा है। बेल्ट कॉन्फिग्रेशन सैंडविच बेल्ट, सैंडविच क्या होता है, सैंडविच में क्या होता है कि दो ब्रेड, एक ब्रेड नीचे और एक ब्रेड ऊपर, उसके बीच में मसाला चटनी जो भी अपना वेजिटेबल कट करके वाट एवर जो भी बनाना होता है सैंडविच को, ग्रीन चटनी लाल मीठी चटनी डालते हैं, इसी टाइप से दो ब्रेड के बीच में उसको सारी चटनी को रख के खा जाते हैं। तो इसमें भी क्या है, ब्रेड की जगह पे इसमें बेल्ट है सिंपल, तो दो बेल्ट के बीच में मटेरियल को कन्वे करेंगे तो उसको सैंडविच बेल्ट बोलते हैं। जैसा फोटो में दिखाया गया है तो बेल्ट है वो एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे और उसमें कन्वे करेंगे मटेरियल को। टोटली इनक्लोज मटेरियल बिटवीन टू स्टैंडर्ड कन्वेयर्स, दो स्टैंडर्ड कन्वेयर के बीच में कन्वे रहता है तो उसी टाइप से सैंडविच टाइप बन जाएगा ये। अप्लाइड प्रेशर सिक्योर मटेरियल लोड, 90 डिग्री कन्वेइंग पॉसिबल, इससे भी 90 डिग्री तक हम मटेरियल को कन्वे कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है इसमें। स्टैंडर्ड कन्वेयर कंपोनेंट्स, इसमें कन्वेयर के लिए स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसका फोटो हम दिखाएंगे कैसे क्या होता है। ये देखिए इसका फोटो सैंडविच बेल्ट का, बेल्ट लोडिंग ए, बेल्ट लोडिंग बी, बेल्ट लोडिंग सी, इसमें अलग अलग है कि इसमें मतलब सैंडविच किस टाइप का बन रहा है, वो ए टाइप का लोड सैंडविच है, बी टाइप का, सी टाइप का सैंडविच है, ये तीनों टाइप के अलग अलग दिखाएंगे, क्योंकि चॉकलेट सैंडविच आएगा, सॉस सैंडविच आएगा, वो ग्रीन चटनी का, अंडे का, अलग अलग दुकान पर अलग अलग मिलेगा, उसी टाइप से इसमें सैंडविच का अलग अलग टाइप का है कि इसको किस टाइप से इंक्लोज किया गया है
वही इसका मेन है बेल्ट का। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कृपया अगर नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है वो दबाए, उसके पास में बेल आइकन है वो भी दबाए, जिससे कि जैसे ही हम न्यू वीडियो नॉलेजेबल वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो आपके पास पहले पहुँचेगा। धन्यवाद। जय।